नमस्ते फ्रेंड्स। स्ट्रोक होने के बाद हमें कई तरह के एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने अफेक्टेड साइड पैरालाइज साइड को ज़्यादा यूज़ कर सकें, ताकि उसका जो है लेस यूज़ कम हो जाए और वो यूज़ हो सके। बशर्त है थोड़ी असेसमेंट की ज़रूरत है, अगर वो बहुत वीक है तो हमें ध्यान रखना है कि पहले उसको स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत करें उनकी मसल्स को, फिर उसके बाद उस पर बैलेंसिंग करें। जैसे मान लीजिए कि लेफ़्ट साइड पैरालाइज है, तो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा वज़न देने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि लेफ़्ट साइड पहले थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, फिर हम वज़न दें। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि डिसलोकेशन हो सकते हैं। हिप जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और हमारा हिप एंड नी दोनों ही वेट प्रॉपरली ले, इसके लिए मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा इस पर और देखिएगा, ये मेडिसिन बॉल ली है हमने। इस मेडिसिन बॉल को आप इस्तेमाल करें, इस तरह से नीचे रख दें और सीधा खड़े होकर के उस पर, आपका अगर राइट साइड वीक है तो लेफ़्ट को रखें उस पर, और लेफ़्ट को रख करके अपने बॉल पे मूव कीजिए, और अपने हैंड को वेस्ट पे रख सकते हैं, और नहीं तो सीधा रख करके सारा वेट, कोशिश कीजिए कि बॉडी का सीधा रखें। ये नहीं कि आगे फॉरवर्ड होके अगर सारा वेट अगर हम बॉल के ऊपर रख देंगे, डैट विल बी नॉट गुड। तो हमें थोड़ा पीछे होकर के कोशिश करनी है। कुछ शुरू में सपोर्ट चाहिए, गार्ड चाहिए, एंड रोज़ प्रैक्टिस करते रहने से ये बैलेंस अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ जो दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज भी नहीं है, वो रेगुलरली करनी चाहिए हमें। जब भी हमें स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो सपोज़ हमारा लेफ़्ट वीक है, लेफ़्ट साइड वीक है, तो लेफ़्ट को पीछे रखना है हमें खड़े होते वक्त, सिट टू स्टैंड के वक्त, और राइट को आगे रखना है, और स्पाइन को सीधा रख करके दोनों हैंड्स को सेंटर में रख करके और आगे करके धीरे धीरे उठना है, सो डैट योर लेफ्ट लेग टेक्स द वेट एंड यू गेट अप। सो डैट इज़ हाउ इफ़ यू गेट अप एवरी टाइम, अगर आप बार बार ऐसे उठते हैं तो आपका जो लेफ़्ट लेग है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा।